लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कराने के संबंध में भाजपा ने कलेक्टर कार्यालय पर धरना देकर ज्ञापन दिया। भारत की संसद द्वारा नागरिकता संशोधन बिल 2019 पारित किए जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर उत्पीड़ित शरणार्थियों की भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नागरिकता संशोधन बिल के अनुसार हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, सिंधी और बौद्ध समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता आसानी से उपलब्ध होगी। भाजपा ने आरोप लगाया कि इस ऐतिहासिक निर्णय का पूरे देश में स्वागत और सम्मान हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करने की बात कह रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का कथन भारत की संप्रभुता, संघीय व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है। नागरिकता देने और नहीं देने का काम भारत सरकार का होता है, राज्यों का नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार के मुखिया ने प्रदेश में भ्रम का वातावरण बनाते हुए अराजकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इसी बात का विरोध करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने राज्यपाल के नाम इंदौर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा द्वारा दिए गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। लालवानी जी, आज जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है वो क्या उद्देश्य है उसका? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा ने नागरिक संशोधन बिल पास करा। केंद्र सरकार के पास करने के बाद कुछ राज्यों में, खास करके जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, उन्होंने ये घोषणा की कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। उसके विरोध में मध्य प्रदेश में सभी जिला स्तर पर जिलाधीश महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो कानून केंद्र ने पारित किया है उस कानून को तुरंत लागू करना चाहिए। उसी बात को लेकर आज जो प्रदेश स्तर पर धरना हो रहा है, आज इंदौर में भी हमने धरना दिया और धरना देकर इस बात की चेता है कि ये जो कानून लागू हुआ है उससे आगे जारी रखना चाहिए, उससे आप रोक नहीं सकते हो। और ये ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम से दिया है। चंद्र भी, आप जहाँ तक मेरा ज्ञान है, आप देश के इकलौते सिंधी समुदाय के सांसद हैं लोकसभा में, और मध्य प्रदेश में शरणार्थियों की बड़ी आबादी रहती है। कमलनाथ सरकार जैसा कि संकेत दे रही है कि वो लागू नहीं करेगी NRC को, उस कानून को, तो मध्य प्रदेश में रह रहे कितने शरणार्थी नागरिकता से वंचित हो सकते हैं? देखिए, 10,000 से ज़्यादा ऐसे नागरिक हैं जो इससे वंचित होते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो वहाँ पीड़ित हैं, दुखी है, जो प्रताड़ित होकर वहाँ पर आ रहे हैं, वो धर्म के खातिर आ रहे हैं। हम किसी भी अल्पसंख्यक के अधिकार पर कोई चोट नहीं पहुँचा रहे। हम तो उनकी मदद कर रहे हैं जो कि पीड़ित है, वर्षों से पीड़ित है। 30-30 साल से हम देख रहे हैं कि वो नागरिकता नहीं मिलने के कारण प्रताड़ित हो रहे हैं। ये उनकी बात हो रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के बीच में भ्रम फैला रही है। उस भ्रम को दूर करने के लिए हम सब उनके बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे कि इस प्रकार का कोई भी नहीं है। 0.01% हमने नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट लोकसभा में ये स्टेटमेंट दिया है ऑफिशियली कि ये कहीं भी अल्पसंख्यक के विरोध में नहीं है। ये कांग्रेस गुमराह कर रही है अल्पसंख्यकों को। अगर ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगामी रणनीति? हम आगामी रणनीति बनाएंगे। संभावना है कि रविवार को हम बड़े स्तर पर सम्मेलन बुलाएंगे और यहाँ से, क्योंकि ये आवाज़ जो है अल्पसंख्यकों की, ये इंदौर से कई वर्ष पहले शुरू हुई थी, और अगर यहाँ लागू नहीं किया जाता तो इस आगाज का आंदोलन करने का बड़े रणनीति हम यहाँ पर अपनाएंगे। अच्छा, आपकी मांग है NRC को भी लागू किया जाए इस कानून के साथ साथ मध्य प्रदेश? देखिए, अभी तो नागरिकता वाली बात चल रही है और नागरिकता की बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। NRC का अभी बात नहीं चल रही है, अभी नागरिकता वाली विशेष बात करिए। नागरिकता बिल जो पास है उसे लागू करने की बात चल रही है। क्यों लगता है आपको कांग्रेस इसको लागू क्यों नहीं करना चाहती? देखिए, कांग्रेस के एक धड़ा तो मानता है कि मिलना चाहिए, जो उसको वास्तव में समझता है, दुखी है, परेशान है, लेकिन उनके आकाओं के कारण वो इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है आकाओं की मानसिकता बहुत छोटी है, हल्की है। कांग्रेस के कारण ही देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। अगर उस समय पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं होता तो वहाँ इस प्रकार की परेशानी नहीं होती। कांग्रेस की गलती है जिसके कारण आज ये भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया।